साथियों, एनडीए सरकार में पूरी संवेदनशीलता के साथ चल रही है, जनभावना के साथ चल रही है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जीएसटी है। जैसे जैसे सुझाव मिलते जा रहे हैं, सरकार इसे और प्रभावी और सरल बनाने में जुटी है। गुरुघर हो, मंदिर हो, लंगर हो, भंडारे हो, एक समृद्ध और स्वस्थ परंपरा है। सेवा के भाव से, पूरी श्रद्धा के साथ, तन मन धन से हर आस्थावान यहां जुड़ता है। चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। आस्था, श्रद्धा और सेवा के प्रयोजन को समझते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ इन सभी आयोजनों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इसी प्रकार आज करीब 99% सामान और सेवा 18% टैक्स के दायरे से नीचे ला दिया गया है। पहले इनमें से अधिकतर सामान पर 25%, 30%, 35% तक कर लगते थे, टैक्स लगते थे। अब टैक्स तो कम हुआ ही है, आपको पता भी चल रहा है कि साबुन पर, जूते पर, कपड़े पर कितना टैक्स दे रहा है। पहले ये दिखता नहीं था, लेकिन वसूला जाता था। अब जो आप देते हैं वही आपको दिखता है। यही पारदर्शिता की व्यवस्था है जो न्यू इंडिया का आधार है। साथियों, घरों के निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं और सामान पर भी जो जीएसटी लगता है उसको भी हम एक संतोषजनक स्तर पर लाने के पक्ष में है। पिछली बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। उम्मीद है आगे इस पर सार्थक चर्चा के बाद उचित फैसला होगा। वहीं जो व्यापारी, कारोबारी बहन भाई हैं, छोटे उद्यमी हैं, उनके लिए भी जीएसटी को आसान करने की निरंतर कोशिश बीते 1.5 वर्ष से ही की जा रही है। अभी भी हम जीएसटी काउंसिल से अनुरोध कर रहे हैं कि जीएसटी फाइल करने के लिए उद्यमों की आय की सीमा 20 लाख है, उस 20 लाख को बढ़ा करके 75 लाख कर दिया जाए, ताकि 75 लाख के नीचे वालों को इस झंझट से मुक्ति मिले।